इस वक्त हम एक अहम मौजू को लेके हाजिर हुए अपने दोस्तों और साथियों की खिदमत में टैडी कबूतरों के हवाले से। आज ये खसूसी गुफ्तगू आपके पेशे नजर करने जा रहे हैं क्योंकि टैडियों के हवाले से बहुत गुफ्तगू होती है और इसे एक बहुत बड़ा कबूतर करार दिया गया और इसके हवाले से बहुत सारे बहस मुबाइसे हैं। और इसमें एक ये भी है कि चौधरी सकी भट्टी साहब का नाम इस सिलसिले में खसूसी तौर पर लिया जाता है कि ज़्यादा बेहतरीन टैडी कबूतर असल में उन्हीं के पास थे और वहीं से आगे चले हैं। और इस सिलसिले में आज हम जिस शख्सियत से गुफ्तगू करना चाह रहे हैं उनका टैडियों के हवाले से लाहौर में एक बड़ा नाम और पहचान और उनके पास चौधरी सखी साहब वाले भी ये बड़ी बात मशहूर है कि बड़े ख़ास कबूतर उनके पास टैडी रहे और फिर इसी तरह वो सिलसिलाकार आगे भी चले और वैसे भी वो अपनी ब्रीडिंग में एक पहचान रखते हैं और बड़ा गहरा लगाव है उन्हें ब्रीडिंग से और लोग उन्हें सिलसिले इसके हवाले से खुसूसी तौर पर जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उस्ताद नवीद मीर साहब और लाहौर में इनकी एक अपनी शनाख्त भी है, पहचान भी है। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। आपने जैसे सुनी लिया मेरा इंट्रो के टैडियों के हवाले से, आप जब भी टैडियों का जिक्र आता है तो लाहौर में आपका नाम बड़ा गर्दिश करता है, तो डायरेक्ट इसी चीज पे, बल्कि आपने हाथ में भी एक मेरे ख्याल में टैडी कबूतर ही पकड़ा हुआ है, तो जरा हमें बताएं कि टैडियों की तारीख के मुतालिक और फिर इसके इस हवाले से जरा, ताकि शौकीन हजरात बेपनाह सवाल आते हैं। बेशक आप ठीक कह रहे हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, HPT TV को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मेरा इतना नॉलेज तो नहीं है, मेरे से सीनियर काफ़ी उस्ताद हैं, समझदार भी हैं, मैं तो एक छोटा सा शौकीन हूँ, मगर मुझे इनसे बेहद लगाव है इन टैडियों से। अच्छा, ये सबसे पहले ये कबूतर मैंने चौधरी सखी के पास ही देखे। अच्छा, स्टार्टिंग में जब मैं गया उनके पास, मेरा एक दोस्त मुझे साथ लेकर गया, एक दस नंबर कबूतर नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था हाजी असरी साहब से 1998-1999 में, एक एक साल की बाजी लगी, एक साहब हाजी असरी जीत गए, अगले साल चौधरी सखी साहब जीत गए। अच्छा, उससे तीसरा साल उड़ाना था तो बाजी नहीं उड़ी। अच्छा, उनका अपना मसला होगा, इसकी वजह से नहीं उड़ी, मैं ये नहीं जानता हूँ कि वो मसला क्या था, मगर उस दौरान एक कबूतर उड़ा था दस नंबर कबूतर। अच्छा, फिरतों के अंदर वो कबूतर, फिरतों के अंदर ना मैं मेरे दोस्त ने शो करवाया मुझे जाके, तो जब मैंने देखा जौनसरा सा कबूतर था, वो पल्ले उसके चिट्टे थे और दुम दुम सी ना वो काली लगोर से उसके चिट्टे, जब मेरे दोस्त ने कहा कि फिर सर दस नंबर का शो कराना, जब उन्होंने मुझे शो करवाया, तो जब मैं उधर से वापस आया तो मैंने अपने दोस्त से जिक्र किया कि यार क्रॉस ही चेहरा कबूतर, ये प्योर कबूतर नहीं है टैडी, क्योंकि उस दौरान हमने मैरो के कबूतर देखे हुए थे और आमर टीपू के कबूतर टैडी देखे हुए थे। वक़्त गुजर गया, तो दो साल बाद मैं चौधरी साहब का शिगिर्द हुआ, जब शिगिर्द हुआ तो उन्होंने मुझे वही कबूतर दिखाया, कहते हैं कि आपने अपने दोस्त को ये जिक्र किया था कि चौधरी साहब को गलतफहमी हो गई, वो क्रॉस में था, मैं कहा कि मैंने किया था, फिर जब उन्होंने वो कबूतर दिखाया, जब मैंने पहली दफ़ा देखा था उसकी सुरख आँखें थी। अच्छा, जब दो साल बाद मैंने देखा वो पूरा कलसरा दो दो तीन तीन पल्ले काले, काली सिया दुम कर गया था। अच्छा, तो आंख उसकी बिल्कुल वाइट और हल्का सा लाल सुर्ख डोरा था उसको। अच्छा, मुझे कहते हैं ये वही कबूतर है जो आपने उस तब उड़ाने पड़ा हुआ था, वो पट्टा था पहले दाने का। अच्छा, उसने रिकॉर्ड तीन कबूतर उड़ा। अच्छा, बेशक वो तीन पहली बाजियां कटता रहे, पहली तीन बाजी पांचवे पार बैठता रहे और बाजी में वो कट जाता रहा, क्योंकि वो गलत हो के आता रहा। अच्छा, मगर शायद ही उस जैसा कबूतर पूरे पाकिस्तान में, उस जैसा दस नंबर कबूतर जो। अच्छा, इसके अलावा ये तो मैं उनकी बात बता रहा, इसके अलावा मैं अपनी जाती देखिए तजर्बा वो होता है, किसी को बेपनाह आप तारीफ इस तरह कर सकते हैं, देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये मेरी बनाई हुई ब्रीड है, ये अल्लाह की मेहरबानी से मुझे चौधरी सखी की वजह से मिले होंगे। अच्छा,
तो मैं अभी भी यही कहता हूँ कि ये कबूतर भी उन्हीं के हैं। अगर वो उनसे ना मिलते तो शायद मेरे पास ना होते। ठीक है, मैंने अपने दोस्तों को भी दिए, बेशक सेल किए हैं, कई दोस्तों को मुफ्त भी दिए, अपने गिफ्ट भी किए, कई को सेल भी किए हैं। मगर सबसे ये आप ये मुझसे पूछ सकते हैं कि नवी साहब आपको इसमें जाती तौर पे क्या महसूस किया? मैं ही जवाब दे देता हूँ। मलिक अरशद मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अच्छा वक्त गुजरा उनके साथ, पहली दफा शो किया मैंने। मलिक अरशद के पास कबूतर उड़े हैं, क्रॉस में हमने लगाए, प्योर तो बहुत कम छोड़े हैं, क्योंकि मुझे जो साहब ने मना किया था कि यार प्योर ना छोड़ना, इसलिए ये जाया भी होंगे, ये जाया होंगे तो फिर उस एरिया में ये फैल जाएंगे, इसलिए मैंने प्योर नहीं छोड़े। क्रॉस में लगा के छोड़े, सबसे पहला पहले उधर उड़े हैं, उनका नाम रखा एटम। अच्छा, 2003 में मलिक अरशद की छत में छोड़े, तीन छोड़े, तीनों बाजी में आए क्रॉस में। अच्छा, 72 नंबर कबूतर था। अच्छा। और मेरी एक लाल आंखों वाली ब्रीड है जिसका नाम नवीद वाले रखा गया था। बेसिकली वो जो कबूतर है वो जुल्फी के घर के हैं, और मैंने जुल्फी से नहीं लिए, मैंने इश्तियाक उस्ताद इश्तियाक साहब से लिए थे, डॉक्टर इश्तियाक साहब। अच्छा, बिल्कुल। वो उधर से आए, उसकी एक पट्ठा, यानी कि वो खुद पट्ठा जवान हुआ, 10 नंबर कबूतरी लगी। शायद ही दुनिया में ऐसा रिजल्ट आया हो जिस तरह उस जोड़े का रिजल्ट आया। अच्छा। उसका जो बच्चा छोड़ा बाजी में आया। अच्छा। जो बच्चा छोड़ा उसका बाजी में आया। अच्छा। इधर तक कि उसके उस जोड़े को देखने के लिए दो दफा मियां रऊफ साहब न्याह बदर के साथ मेरे घर आए। अच्छा। दो दफा। अच्छा। उस जोड़े को देखने के लिए एंड पे मियाँ रऊफ साहब ने, अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती दें, मेरे वो बड़े हैं, मेरे उस्तादों की जगह पे हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, बेशक वो दूसरी पार्टी से, मगर उन्होंने ये कहा जाती बार के ये लगता है हमारे घर का पट्टा है लाल अंक वाला। मैंने कहा मियाँ साहब हो सकता है आपके घर का हो, मगर मैंने आपसे नहीं लिया ये, मैं चौधरी सखी से लेकर आया, क्योंकि इश्ताक साहब ने चौधरी सखी को गिफ्ट किया था और उधर से मैं ले आया। डॉक्टर इश्ताक साहब जी, डॉक्टर इश्तियाक साहब ने दो बच्चे चौधरी सगी को लाल आंखों के लिए गिफ्ट किए जी। अच्छा। एक पट्टी मर गई थी, पट्ठा मैं ले आया था। अच्छा। वो पट्ठा आगे जब साथ साथ 8-8 कली का हुआ, मेरी 10 नंबर टेडी ब्रीड जो नवीन मुस्लिम टोन वाले के पास वो बच्चा मैंने दिया था, 1.5 साल बाद उन्होंने पसंद नहीं आई, उन्होंने मुझे वापस कर दी। मैं नवीद साहब की उनके पास बैठा हूँ, ये मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ उनकी मौजूदगी में, उनको पसंद नहीं है, उन्होंने मुझे वापस कर दी। अच्छा। वो कबूतरी खुद ही उस पट्टे के साथ ला गई जो उस्ताद चौधरी सैफी साहब से मुझे आया था लाल अंकों वाला। उसके तीन बच्चे बाजी में छोड़े, तीन बच्चे छोड़े, तीनों ही बाजी में आ गए। अच्छा। जुम्मे का दिन था, 47 टेम्परेचर था, एक 5 कली का बच्चा, एक 7 कली का बच्चा और एक 9 कली का हमने पुट के साथ करवा लिया। अच्छा। ये तीनों बाजी में डले, दो बच्चे थे और एक बड़ा था, एक जो बड़ा था वो बैठा 2:30 बजे, जो 4 कली जो 5 कली का था वो बैठा, जो 7 कली का था वो बैठा 4:30 बजे और जो 5 कली का था वो बैठा 4:45 बजे। 47 टेम्परेचर था, मियां नदीम की छत पे पहली दफा चौधरी सही ने शो किया था, उधर चौधरी सही का 7वां बैठा था 2:15 बजे। जब मैं पर्चा उनके पास लेकर गया तो उन्होंने मजाक करना शुरू कर दिया कि हमारे बड़े इतने बजे बैठ गए, दूसरी बाजी थी। 2003 की बात कर रहा हूँ, चाइना स्कीम पे की बाजी उड़ी है, ये तीन लोग। ये मैं इसलिए ये डिटेल से बताया है कि ये कबूतरों का मेरे पास ये रिजल्ट।